हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम झूले। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि मैं पिछले कल आया था दोस्तों और घर पहुंचा था, फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और साथ ही साथ मेरी पेट डॉग ने मेरा कैसा स्वागत किया था वो भी आप सभी ने देखा। तो उसके बाद दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ दोस्तों बुआ जी के घर, तो दिखाऊँगा दोस्तों वहाँ का माहौल कैसा है, उनका गाँव कैसा है और कहाँ से होके जाते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मुझे यहाँ से होके जाना पड़ेगा दोस्तों, पैदल ही पैदल नुगुलसरी। और आजकल सड़क में टायरिंग भी हो रही है, मतलब हो चुकी है वहाँ पे, देखिए। और जो हमारा लिंक रोड नहीं है दोस्तों, ये जो जा रहा है ना रोड टंडा के लिए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हमारे सड़क में मतलब टायरिंग हो चुकी है, मेटलिंग हो चुकी है फर्स्ट टाइम। तो इससे पहले ये कच्चा रास्ता हुआ करता था, तो इसी रास्ते में पहुँचेंगे और दिखाऊँगा दोस्तों टायरिंग किस तरह से हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है जब अपने लिंक रोड में मतलब टायरिंग हो जाती है, मेटलिंग हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बाकी तो देखे तो काफ़ी अच्छी सड़क लग रही है। अब ये नहीं पता कि इसमें मेटलिंग किस तरह से हुई है, ए ग्रेड की हुई है, बी ग्रेड की हुई है या फिर किस टाइप की हुई है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरे गाँव के लिए, ये मतलब टंडा गाँव के लिए सड़क जा रही है। देखिए कितना शानदार लग रहा है, मतलब पहले यहाँ पर कच्ची सड़क हुआ करती थी। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है। और बाकी मैं अपने साथियों से कहूँगा जो भी यहाँ पे ड्राइव करते हैं, तो हो सके तो ज़्यादा स्पीड में ना जाए, क्योंकि अभी मेटलिंग हो चुकी, तो ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो आपको आगे पता नहीं लगेगा, यानी कि अपने स्पीड को कंट्रोल में रखना। तो ये गाँव है दोस्तों आगे छोंडा गाँव, ठीक है। आप सभी को पता ये नुगुलसरी है, ये है ननसपो और इसके पीछे है तरंडा। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, गांव में टायरिंग होगी। काफ़ी सालों के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब टायरिंग होगी, कब टायरिंग होगी। आखिरकार फाइनली देखिए, फाइनली इसका व्यू देखिए, नज़ारा देखिए। इसी तरह से दोस्तों हर एक गांव में मेटलिंग होनी चाहिए, हर एक गांव में अगर सड़क पहुँची है तो उसको जल्द से जल्द पास कर देना चाहिए और गाँव वालों को, पंचायत वालों को इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि सरकार को थोड़ा सा प्रेशर जाए, ताकि वो काम करने के लिए मजबूर हो जाए। करो हर चीज़ के लिए दोस्तों, सतर्क रहो, जागरूक रहो, तभी ऐसे से काम होंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कतें आती है, अगर आपको प्रॉब्लम है इस सड़क से, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये सड़क अच्छी सड़क बनी है या फिर इसमें ऐसे ही हल्का फुल्का सा मटेरियल डाला गया है, तो आप खुद हो गांव वाले चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद इसको डिपार्टमेंट को बोल सकते हो, PWD डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि ये सड़क अच्छे से नहीं बनी है, इसकी जाँच करें, ऐसा भी कह सकते हो, और जांच भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लो जी दोस्तों, ये है NH05, सामने को आपको दिखेगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगुलसरी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं निगुलसरी मार्केट में। तो छोटा सा मार्केट है, बट हर एक चीज यहां पे मिल जाती है जो आपने खरीदना हो। तो दोस्तों अब हम चल पड़े हैं NH05 से चौरा की, और चौरा के बाद बदाल, बदाल के बाद ज्यूरी, ज्यूरी के बाद जाखड़ी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बदाल। तो ये लोकेशन है बदाल, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो बट अभी पेट्रोल की गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल भरवा रही है, ठीक है। ये सामने दिख सकता है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसकी जो ट्रक है ना, तो अभी टैंक भर रहा होगा इसका, नीचे जो बहुत बड़ा टैंक होता है ना उसमें जा रहा है सारा पेट्रोल। वहाँ देखिए पाइप लगी है, ये देखिए साथ साथ पेट्रोल भर रहा है, और हमारी गाड़ी भी यहाँ सामने खड़ी है। किस तरह से पेट्रोल ना बड़ी टैंक में जाता है, यहाँ देखिए मोटी सी पाइप है। तो दोस्तों फाइनली हम जाखड़ी पहुंच चुके हैं, सीधा जा रहा है किन्नौर के लिए रास्ता जो आपको दिख रहा है, बट हम जा रहे हैं ये वाली सड़क की ओर। तो अब मैं चला दोस्तों अपने बुआ जी के घर, यहीं से होके जाना पड़ता है दोस्तों। जो आपने पीछे पूरा का पूरा एरिया देखा ना दोस्तों, ये पूरा एरिया SJVN का है। तो हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी सामने देख रहे हैं आपको स्मेज, यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों सबसे पहले स्मेज। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्मेज में। स्मेज एक कुल्लू एरिया में पड़ता है, यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है स्मेज, बट इसको 15-20 भी कहते हैं। यहाँ की सड़कें दोस्तों बीच बीच में कच्ची सड़कें हैं, तो ये एरिया दोस्तों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पर टायरिंग नहीं हुई है,
देन इसको जैसे ही हम क्रॉस कर लेते हैं ना दोस्तों, इस ब्रिज को जैसे ही क्रॉस कर लेंगे फिर हम पहुंच जाएंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से होते हुए भी जा रहे हैं और फिर पहुंचते हैं हम शिमला डिस्ट्रिक्ट, तब जाके मैं पहुंचूंगा अपने बुआ जी के घर। यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है ना दोस्तों, बीच में 400-500 मीटर के दायरे में टायरिंग नहीं हुई है, तो दोनों एरिया वाले एक दूसरे को कोसते हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट वाले और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाले। ये कहते हैं कि ये कुल्लू का एरिया है, हम यहाँ पे टायरिंग नहीं करेंगे, और कुल्लू वाले कहते हैं कि हम भला यहाँ पे टायरिंग क्यों करें। तो मतलब दिक्कतें आती है लोगों को, परेशानी होती है लोगों को। यहाँ के गांव वालों को इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही इस क्षेत्र को विकास कर सकते हो, आगे जाके प्रशासन को बोल सकते हो, तभी काम हो सकता है। धन्यवाद। बाकी दोस्तों इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना है।